Hello students, our today's subject Hindi. Today we are going to learn about A, O, Au, Ang, A. हम लोग आज A, O, Au, Ang, A सीखेंगे. इससे पहले हम लोग A से A तक सीख चुके हैं ना, तो अब देखते हैं A. ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक. ओ से ओखली, ओ से ओखली. अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं. अब हम लोग देखेंगे हम लोग ए कैसे लिखते हैं. ए, इससे पहले आपने ए लिखना सीखा था ना हिंदी में, उसी तरह हम लोग को लिखना है. पहले एक लाइन देंगे, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. ऊपर हमें ए की मात्रा, ये है ए की मात्रा. ऐसे ऐनक, फिर से लिखेंगे लाइन, ऐसे कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. ये हो गया ए, और इसमें हम ऐसे मात्रा डालेंगे तो ये हो जाएगा ए. अब लिखेंगे ओ, जैसे हम लोगों ने पहले अ लिखा था ना, ऐसे अ, पहले अ लिखेंगे. यहाँ एक और मात्रा आ, ये आ की मात्रा है आ. अब हम लोग इस पे एक ऊपर ओ की मात्रा, ये हो गया ओ. पहले अ लिखेंगे, फिर एक मात्रा, ये हो गया आ, और अब हम इस पे ये मात्रा डालेंगे, ये हो गया ओ. ए, ओ. अब लिखेंगे अ, इसमें भी हम ऐसे ही पहले अ लिखेंगे, अ, फिर हम इसके साथ एक मात्रा आ. अब हम लोगों ने पहले ओ पे एक मात्रा डाला था, अब हम लोग यहां दो मात्रा डालेंगे, ये हो गया अ. आ की मात्रा, ये हो गया आ. ऊपर हमें दो मात्रा डालना है, औ. ये हो गया औ. अब लिखेंगे अंग, पे ऊपर एक छोटा सा डॉट, अंग. अंग, और ये है अह, ऐसे अ लिखेंगे, और इसके साइड में हम दो डॉट डालेंगे, अ, साइड में दो डॉट, क्या बन गया अ. ओ, औ, औ, अंग, अ. ए, ओ, औ, अंग, अ. अब आप देखिए आपको होमवर्क कैसे बनाना है. ये है ए, ओ, इसको आपको यहां टू पेजेस लिखना है. औ, अंग, अ, इसको भी आपको यहां टू पेजेस लिखना है, और ये आपका होमवर्क है. अपनी नोटबुक में आपको ये दोनों होमवर्क टू पेजेस लिखने हैं. थैंक यू.